रामू कड़ी धूप में खेतों में काम कर रहा था। इस कड़कती धूप में और ज्यादा काम कर नहीं सकता, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रामू आराम करने के लिए पेड़ के पास जाता है। रामू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी दो सांप भागते हुए आते हैं। हमें बचा लो, नहीं तो वो आदमी हमें मार देगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों इस पेड़ के पीछे छुप जाओ। दो सांप पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तभी मदन भागते हुए आता है। ए रामू, तुमने किसी सांप के बच्चों को देखा है? नहीं तो। ये सुनकर मदन वहां से चला जाता है। तभी दो सांप अपना रूप बदल लेते हैं। ये देखकर रामू डर जाता है। डरो मत, हम वही दो सांप हैं। तुमने उस आदमी से हमारी जान बचाकर बहुत ही मेहरबानी की है। हम तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहते हैं। हमारे साथ घर चलो। रामू उन दो सांपों के पीछे जाने लगा। कुछ देर जाने के बाद देखता है एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। ए रामू, इन दो सांपों के पीछे मत जा। ये दो सांप एक शैतान है, तुम्हें मारकर तुम्हें खा लेंगे। साधु बाबा की ये बातें सुनकर रामू हैरान हो जाता है, फिर उधर ही रुक जाता है। क्या हुआ, तुम इधर ही क्यों रुक गए? और थोड़ा दूर चलो, हमारा घर आ जाएगा। सांप की मीठी बातें सुनकर रामू उन सांपों के पीछे जाने लगा। देखो, ये रहा हमारा घर। रामू गुफे के अंदर जाता है। इतने सारे लोगों को बंदी में देखकर हैरान हो जाता है। तभी दो सांप हंसने लगते हैं। तुम दोनों ने धोखा दिया है। ये धोखा नहीं है। ठीक अमावस्या के रात तुम सबको बलि देकर तुम्हारे खून से मेरे माँ बाप को जिंदा कर दूंगा। यह कहकर दोनों सांप अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं। माँ, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम दोनों जिंदा हो जाओगे। इधर बाबा उस गुफा के पास जाता है। कैसे भी करके इन लोगों को उन सांपों से बचाना होगा। साधु बाबा गुफे के अंदर से सारे लोगों को अपने साथ ले आते हैं। तुम सब इस घने जंगल से दूर भाग जाओ, नहीं तो वो दो सांप तुम सबको मार देंगे। सांप के डर से सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। इधर दो सांप गुफे के पास आते हैं। गुफे के अंदर देखते हैं, सारे लोग गायब हैं। ये लोग किधर गए? लगता है ये काम साधु बाबा का होगा। दो सांप साधु बाबा के पास जाते हैं। तुमने उन लोगों को आजाद करके ठीक नहीं किया, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। साधु बाबा सुरक्षा कवच के अंदर आ जाते हैं, फिर सांप की शक्ति काम नहीं करती है। ए साधु बाबा, आज तुमने उन लोगों को बचा लिया, लेकिन अगले अमावस्या के रात इन्हीं लोगों को पकड़ कर बलि दूंगा। दो सांप गुस्से से वहां से चले जाते हैं।